नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे फ्रॉम डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर। आज का टॉपिक मैंने चुना है आहार। किस तरह से हमारा जो भोजन है वही हमारा सबसे प्यारा हो जाए, सबसे हेल्पफुल हो जाए और बिना किसी चिकित्सा के आहार ही हमारी चिकित्सा हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आपको किस तरह का भोजन सूट करता है। लोगों को आदत है कुछ भी अच्छा दिखे तो उसको इतना खा लेना चाहते हैं कि ऐसा लगे कि फिर से मुझे खाना नहीं है या भोजन नहीं करना है। उसके बाद फिर अगर रात को खाया है तो पूरी रात उनको नींद नहीं आती, पूरे रात उनको गैस, बेचैनी या दिन में भी वही हालत होती है। इसका मतलब जो भी आपने खाया वो अगर आपने पचाया नहीं तो वो अन्न आपके लिए जहर के समान है। दोस्तों, आपके घर में अगर पालतू जीव हो या आपके पड़ोस में हो, अगर डॉगी ही सिंपल अगर रोड पे भी बैठा हो, अगर आप उसको पेट भरा हुआ हो और अगर आप उसको खाना ले जाके देंगे तो आप विश्वास करिए वो खाना नहीं खाएगा और आपको काटने के लिए दौड़ेगा कि मुझे नहीं खाना है अगर आपने उसके साथ ज़बरदस्ती करी। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। दोस्त ने बोला नहीं, तुझे तो खाना ही पड़ेगा, एक ही बाइट खाना पड़ेगा। एक बाइट खाया अच्छा लगा तो दो तीन चार पांच भी खा लेते हैं, खाने के बाद भी खा लेते हैं। उसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है और पूरी तरह से बॉडी गैसी, एसिडिटी और एक तरह से घबराहट, बेचैनी होने लगती है और फिर हम तरह तरह की दवाइयों पर आ जाते हैं। कोई एंटासिड लेता है, कोई जेलोसिल लेता है, कोई कुछ लेता है। रीज़न, क्योंकि जो भी खाया वो पचता नहीं है तो अंदर अंदर चीज़ें सड़ने लगती हैं। जिस तरह से बाहर रोड पे आप गुजरते हो और आपने देखा होगा कि अगर कुछ चीज़ें फेंक दी जाती हैं, कुछ कचरा फेंक दिया जाता है तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन गुजरने के समय हमें इस तरह से नाक पे रुमाल रखना पड़ता है। चौथे दिन हम वो रास्ते से गुजरना नहीं चाहते। तो दोस्तों, जिस तरह से चीज़ें बाहर की तरफ सड़ रही होती हैं उसी तरह से अगर अपच होता है, गैस होता है तो चीज़ें हमारे अंदर भी सड़ रही होती हैं। ये सुंदर से शरीर में इतना कचरा हम लोग ढो रहे होते हैं जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है और वो जाके तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में क्रिएट करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो भोजन का चयन कैसे करना है सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ रफेज खाना चाहिए, मतलब फाइबरस फूड खाना चाहिए। फ्रूट खाइए, सैलड्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, जिससे आपके शरीर में पाचन तंत्र आपका मजबूत होए। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है तो आप दुनिया की किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं, या मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं आती है। और अगर मैं तो बोलूँ कि सबसे पहला जो हमारा पाचन शुरू होता है, जैसे हमने अपने मुँह में खाना स्टार्ट किया, जीभ तक आते आते, जीभ के टच तक आते आते जो एंजाइम से वो उनका सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, खाना हमारे जीभ से टच होते ही वहीं से पाचन तंत्र स्टार्ट हो जाता है। टिल द एंड, टिल द कोलोन, जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकल जाता तब तक हमारे शरीर में पाचन क्रिया चलती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाना भी एक तरह का आर्ट है, भोजन करना एक तरह का आर्ट है। जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले अपने मन में पूरी तरह से भोजन को ही आत्मसात करिए, पूरी तरह से भोजन को समझिए, भोजन को देखिए और जिस खाने के लिए इतनी सारी भागा दौड़ी हम लोग करते हैं उसको ही सबसे पहले भोजन करते समय पूरे दिमाग से, पूरे मन से, पूरे आनंद से भोजन का आनंद लीजिए, जिससे कि आपका पाचन यहीं से शुरू हो जाए और धीरे धीरे करके पूरी जो प्रक्रिया होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं किसी बुजुर्ग संत से डिस्कशन कर रहा था कि स्वास्थ्य का मेजरमेंट क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। उन्होंने मुझे बहुत एक सिंपल सी बात बताई, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, हम इस तरह से बातें कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम सही से भोजन कर सकते हैं और हमारा पेट साफ होता है और हम सेक्स कर सकते हैं, ये तीन चीज़ें
शरीर के लिए पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम पूरी तरह से अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए तो ये तीन ही मेजरमेंट है। सबसे पहला जो चरण है आपके भोजन से शुरू होता है। कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो दोस्तों अच्छा भोजन चयन करिए, अच्छी तरह से और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करिए। इसकी वजह से आपके मन को भी शांति होती है, तन को भी शांति होती है। जो दुनिया भर का जो तनाव है, जो गैस एसिडिटी है, जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो आपके भोजन से भी कई बार ट्रिगर होता है। इस नाते जहाँ तक हो सके पूरी तरह से अच्छा खाना चयन करिए, अच्छा भोजन चयन करिए और उसके साथ साथ भोजन करते समय पूरी तरह से अपने मन को शांत रखिए और भोजन में पूरी तरह से गुम हो जाइए। उसके अलावा दूसरा कहावत है कि जिसका हो पेट साफ उसका हो सब रोग माफ। तो अगर आपका पेट साफ होता है तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी वैसे भी उत्पन्न नहीं होती। और आज का जो समय है सबसे ज़्यादा अपने आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके आपके जीवन में स्वास्थ्य का पूरा आनंद ले सकें, अपने आप को पूरी तरह से सुखी देख सकें। धन्यवाद, नमस्ते।